बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग का करते हैं ये आगाज़। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ जो हालिया बारिशें हुई हैं हमारे, तो उसका नुकसान क्या हुआ है हमारे पपीते को, ये चेक करें। मुद्दा आया पाया, इसको पता क्या हुआ है, इसके जो तने मुड के साथ जो पानी लग जाता है ना, तो ये भाई साहब गल जाता है इधर से, तो ये ऊपर जो है ना फल का माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, तो ये गिर जाता है नीचे धड़म ठा। तो अभी इसीलिए आप देख सकते हो ये जो है ना इधर से इसको पड़ी है फंगस, तो उसने गाल दिया इसका, इसका जो है ना मुड सड़ा वो गल गया था, ये चेक करें। तो अभी जो है ना बाहर, तो इसका जो जब वो नीचे गिर गया तो इसका फल भी हो ना वो गल गया, ये आप देख सकते हो। तो अभी ये चेक करें और आपको और प्लांट्स दिखाता हूँ मैं आगे जो कि ख़राब हो गए। एक प्लांट इधर था वो भी ख़राब हो गया। और आगे चलते हैं जी, वो आपको दिखा कर लाते हैं। ये चेक करें, ये इसको भी फंगस पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और ये चेक करें ऊपर से इसका क्या हाल हो गया। ये माशाल्लाह प्लांट चेक करें और ये प्लांट चेक करें, क्योंकि इसके पड़ गई है जी फंगस और ये काम हो गया इसका फुल ख़राब। तो अभी ये चेक करो, फंगस जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस पर अटैक किया हुआ। अगर आप इसे तो अभी किसी दिन ये गिर जाएगा जी, एक दो दिन ही है इसके। तो ये एक वो सामने रहा, ये एक वो सामने, ये चेक करें ये और एक ये, इधर तीन चार प्लांट्स हैं इधर और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इधर भी हैं। और एक ये सामने जो है ये भी आप देख सकते हो गिरा हुआ है, ये चेक। और नंबर दो पे ये चेक करें, इसको हो जाता है जी वायरस ऊपर से, इसके जो है ना पत्ते ये ऐसे जो है ना वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं ऐसे, ये चेक करें। तो फूल जो है ना वो इकट्ठे हो गए टेढ़े, इसके टेढ़े होते हैं, ये चेक करें। तो अभी जो अब ये इसको, ये भी प्लांट जो है ना ख़राब हो चुका है, ये सिर्फ एक ही नहीं है और भी बहुत ज़्यादा प्लांट जो है ना वो ख़राब हुए हैं, ये चेक करें। पत्तों की बीमारी ने क्या हालत कर दी, एक ये वायरस वाला, एक ये वायरस वाला, ये उससे आगे वाला वायरस वाला है, उससे आगे वाला भी वायरस वाला, ये हाल चेक करें प्लांट्स का क्या हाल हो गया जी। और अभी आपको इसको जो है ना पपीते को दो बड़ी गंदी किस्म की बीमारियाँ होती हैं जो इसको जीने नहीं देती, वो एक होती है जी फंगस और नंबर दो पे होती है वायरस। फंगस भी आपको दिखाई है और वायरस भी, ये दो बीमारियां अगर ना हो तो पपीता बहुत कामयाब हो, और ये पपीते को नाकाम बना देती हैं काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने इस दो बीमारियों ने नुकसान किया है। तो अभी बारह अल्हम्दुलिल्लाह बकाया प्लांट्स बचे हुए हैं, तकरीबन 30 से 40 या 50 के दरमियान इतने प्लांट जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं, गिर चुके हैं और कुछ हो रहे हैं इस दो बीमारियों की वजह से। तो बहरहाल, और अभी जो है ना आपको चेक करवाई हैं जी ये दो बीमारियाँ। तो अभी चलते हैं जी वापस घर। तो अभी एक और प्लांट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें ये वाला प्लांट्स, इसको भी फंगस वायरस पड़ गई थी तो इसको ऊपर से काट दिया, तो अभी जो है ना ये फिर से ग्रो हो रहा है और फिर से जो है ना वो वायरस वाला, ये इसके पत्ते चेक करें और इसको एक दो दाने लगे हुए हैं बस। तो अभी बहरहाल जो है ना चलते हैं जी वापस घर। तो अभी तकरीबन इसको लगाए हुए ना हमें 10 से 11 माह हो चुके हैं, 10 माह हो चुके हैं पपीते को लगाए हुए हैं। बाइक की है जी सर्विस और चेक करें माशाल्लाह क्या प्यारी लग रही है। और अभी चलते हैं जी वापस घर और अभी निकलने लगे हैं हम इधर से। और ये जो हमारी सड़क है ना जी, ये वाली ये हमारे खेतों को आती है, वो सामने पक्की सड़क है उससे इधर को आती है हमारे खेतों को, तो ये जो है ना ये बिल्कुल फ्री रहती है। मैंने जब साइकिल चलाना सीखा था तो तब भी मैंने यही सड़क यूज़ किया, तब भी यही इसी सड़क पे सीखा था, क्योंकि यहाँ पर कोई रश नहीं होता, फ्री होती है ट्रैफिक, कोई भी यहाँ से नहीं गुजरता, तो इसलिए। और जब मैंने बाइक सीखी है और तब भी मैंने इसी रोड पे, इसी सड़क पे जो है ना वो बाइक सीखी है। और जा रहे हैं जी साथ वाले भी, काम है छोटा सा वो निपटा के आते हैं। और अबरार भाई की जो मकई है ना उसको पड़ गई जी सुंडी, तो उसका पत्ता साथ लेके जा रहे हैं, उनको दिखाएंगे कि ये मसला हो गया भाई साहब, तो इसकी दवाई दें हमें, तो इसलिए स्प्रे लेने जा रहे हैं जी। आप अभी निकल चुके हैं जी हम अपने विलेज से, और ये हमारा विलेज वाला रोड है जी, अभी जा रहे हैं हम शेखम और उधर से ले कर आएँगे दवाई शवाई अपनी फसल के लिए। अभी स्प्रे वाले भाई जो हैं वो गए हुए हैं जी कुछ काम, और पत्ता मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ है, तो अभी वो आएंगे तो इसका हल बताएंगे। तो भाई बता रहे हैं कि वो अभी आने ही वाले हैं, तो जब भी आएंगे ना तो हम लेंगे जी स्प्रे और निकल जाएंगे अपनी गली की तरफ। और अभी जो है ना वो आने ही वाले हैं, कुछ ही देर में कॉल भी किया है उनको। अभी है जी शाम का वक़्त और वो अपना सीड वगैरह जो है ना वो अंदर रख रहे हैं,
क्योंकि ये सैंपल के तौर पे बाहर रखा होता है, तो इसलिए शाम को जो है ना अंदर रख रहे हैं। तो अभी जनाब वेट है जी भाई का, वो आने ही वाले हैं। भाई आ चुके हैं, इनको चेक करवाते हैं क्या मसला है। अभी ये उन्होंने दवाई रिकमेंड की है, दो शीशियाँ हैं, तो दो एकड़ के लिए ये, एक एकड़ के लिए एक है। अभी ये सुबह सुबह का टाइम, कल हम स्प्रे ले आए थे, तो अभी जनाब हमने काम शुरू कर दिया है। अभी फ्रीज़र निकाल लिया शॉप के बाहर, काउंटर कर दिया है जी उधर, और अभी जाना फ्रीज़र की हो रही है सफाई। अभी जो है ना इसमें ये चक्कर निशान पड़ गए हैं बोतलों के, जो शीशे की थी ना उनकी, तो अभी इसको साफ़ करने लगे हैं। सर्फ के साथ ये चक्कर बुरे लात हो गए हैं, न्यू फ्रीज़र लिया था, तो अभी इसको ना साफ़ सफाई इसकी करते हैं। ये सारा फ्रीज़र जो है ना वो बाहर निकाल दिया है, और अभी काम सफाई चल रही है इधर, सारी बोतलें शोतलें जितनी भी थी ना वो निकाल दी। ये सब करें, ये पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं, और अभी हमारी बोतलें जो है चक्कर ख़त्म हो गई, सारी ऊपर रखी होती हैं, सारी जो है ना वो एंड हो गया। अभी आ जाएंगे जी बोतलों वाले, वो हम उनसे माल उतरवा लेंगे, तो आज उनको ऑर्डर कर लिखवा दिया था, तो आज वो लेके आएंगे, इसलिए हमने सोचा कि आज फ्रीज़र जाना टाइम से साफ़ कर लेते हैं, तो अभी साफ़ कर रहे हैं जी, और उसके बाद वो आएंगे और काम हमारा हो जाएगा। ओके अभी इसको सरफ वगैरह से अच्छी तरह साफ कर दिया, तो अभी भाई जो है ना पानी के साथ धो रहे हैं इसको। कितनी देर अभी इसको साफ कपड़े के साथ ना खुश्क भी कर दिया, खुश्क कपड़े के साथ, तो अभी इसको ना धूप में रख दिया कि चलो अच्छी तरह खुश्क हो जाए, और इसको धूप भी लगानी चाहिए दो तीन माह के बाद। तो हमने जब के लेके आए हैं ना, 6 माह हो गए हैं, तो इसको कोई धूप नहीं लगाई, तो आज पहली धूप है इसकी, तो अभी इसको जनाब इधर रख दिया हमने, तो इधर धूप सामने आ रही डायरेक्ट, तो अभी ये फ्रेश हो जाएगा, कूलिंग भी अच्छी करेगा। और अभी जो है ना भाई साहब फ्रीज़र वगैरह कराए हैं अंदर, और अभी टाइम जो है ना तकरीबन 11:30 हो रहे हैं, तो अगर अभी इंतज़ार है सिर्फ जो एजेंसी वाले आएंगे उनकी बोतलें आनी है ना, तो अभी वो लेके आएंगे बोतलें शोतलें, तो उसका इंतज़ार है। अगर वो आ गए यानी कि 12-1 बजे से पहले, तो वो इस व्लॉग में आ जाएंगे, अगर ना आए तो फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि 1 बजे के बाद नहीं बनाता, एडिट कर देता हूँ, तो वो जो है ना वो निकल जाता है आगे। तो अभी बहरहाल जो है ना चलते हैं घर, और जाकर रेस्ट मारते हैं। तो अभी घर गया था, घर से आ गया वहाँ पर जो है ना, अभी जो है ना वो एजेंसी वाले नहीं आए हैं, तो वो थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन आज हमने ये व्लॉग आज ही बनाया और आज ही अपलोड करना है, तो इसीलिए हम कर रहे हैं जी आज के व्लॉग का यहीं पे एंड। और वो जो हमारा माल आएगा ना बोतलें शोतलें, वो आपको मिलेंगे ये नेक्स्ट व्लॉग में, तो अभी आज का व्लॉग कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। रश्मि को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।